मेरे साथ इस वक्त ओबीसी समाज के कुछ लोग खड़े हैं। ओबीसी समाज के मुद्दे आखिर क्या हैं? पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, लगातार खबरें चला रहे हैं। कभी ओबीसी प्रदर्शन कर रहा है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर ओबीसी समाज के मुद्दे क्या हैं जिनके ऊपर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता? उन लोगों के आखिर डिमांड्स क्या हैं जिन्हें सरकार को सुनाई नहीं देता या फिर सरकारें सुनना नहीं चाहती? आखिर क्या कहानी है ओबीसी समाज में? पिछले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में उनकी कुछ डिमांड्स हैं। वो भाजपा के एक बड़े नेता को भी मिले हैं और उस नेता को भी एक लेटर दिया, उस नेता ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन कब तक, ये सवाल है। अभी हम इन मुद्दों पर बात करेंगे और ये जान लेंगे कि ओबीसी समाज आखिर चाहता क्या है, ओबीसी समाज की मांग क्या है। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो सबके जो दुख की बात है वो हमारे बच्चे जो बेचारे जिनके वालदैन नहीं है, जिनके फादर नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम उनका लाख दो लाख मतलब ढाई लाख से नीचे नीचे है, उन बच्चों को कॉलेज और स्कूलों में उनको स्कॉलरशिप दिया जाता था और ये स्कॉलरशिप 2020 के बाद जो बंद है, पिछले 3 साल से ये स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी उनसे भी बात की, सेक्रेटरी में जाकर हमने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो है उनसे भी बात की, वो कह रहे हैं कि हमें जो सेंटर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो पैसे नहीं दे रहा है, उन्होंने पैसे बंद कर दिए। हमने उनको कहा कि इसका कोई ना कोई हल तो निकालो, बच्चे जो है पिछले 2-3 साल से जो जिनके स्कॉलरशिप सेंशन हुए हैं उनको पैसे मिलने चाहिए थे, उसी साल में मिलने चाहिए थे, लेकिन वो बच्चे जो रो रहे हैं, वो कभी डायरेक्टर के पास जाते हैं, कभी कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाते हैं, उन्होंने हमारे नोटिस में ये चीज लाई, हम भी परस्यू कर रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री जी को उनको भी ये लेटर्स लिखे, ईमेल्स किए, हमने कमिश्नर सेक्रेटरी को भी मेमोरेंडम दिया, हमने डायरेक्टर इनको कुछ दिन पहले हमने डायरेक्टर जो सोशल वेलफेयर है उनको दिया, हम सारी टीम वहां पे गई हुई थी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। हमें ये पता नहीं है कि क्यों बंद किया हुआ है, किस वजह से क्यों बंद किया हुआ है। तो वो बच्चे ओबीसी के जिनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल कम है, मतलब लाख डेढ़ लाख दो लाख तक, वो बेचारे अपनी एजुकेशन जो है वो छोड़ के भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों बंद कर रखा? तो ये जो बंद किया हुआ है अभी हमें एग्जैक्ट उसका नहीं निकला है कि क्या है, क्यों बंद किया हुआ है, किस वजह से बंद हुआ, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं दे रही है। बाकी एक बात अभी डिस्कशन हुई थी डायरेक्टर मैडम जी जो है यहाँ पे सोशल वेलफेयर, उन्हें कहा कि 40% स्टेट शेयर है वो हमारे पास है, वो जो 40% पैसा जो है कम से कम वो तो उन बच्चों को दिया जाए। वो हमसे उनसे किया था, उन्होंने कहा था कि हम कमीशन सेक्रेटरी शीतल नंदा जी से बात करेंगे, अगर वो डिसीजन लेते हैं तो वो 40% पैसा जो स्टेट का है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां पर उन बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन हमें ये बड़ा अफसोस की बात है, इतना बड़ा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और ओबीसी के बच्चों के स्कॉलरशिप के अब वो स्कॉलरशिप उनको रोक कर उनको इस देश को चलाने का पैसा वहां से यूटिलाइज हो रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें मोदी साहब से हम इधर से हम उनको दोबारा बेनती करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके उनके स्कॉलरशिप जो है ओबीसी के बच्चों के वो स्टेट के अंदर दिए जाए और उनको जो नॉर्मल जो उनकी जैसे एजुकेशन चल रही वो एजुकेशन चलनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रोड पे आएंगे और हम ग्रेट प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी मौजूदा पार्टियां हैं उनके खिलाफ हम इसका विरोध करेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ पर जो ये बात जो है ये हमारी जानी चाहिए। कैसे शिक्षित होंगे बहुजन समाज के बच्चे, ओबीसी समाज के बच्चों की शिक्षा पर पाबंदी कैसे लगाई जा रही है, ये चीज आपने सुन ली। सतिया जी हमारे साथ हैं, सतिया साहब क्या एजेंडे हैं, क्यों सुनाई नहीं देता, क्यों दिखाई नहीं देता, ओबीसी समाज इग्नोर क्यों है?
बात ऐसे है कि मेरे से पहले राज लोथरा जी ने जिस इशू पर बात की है, जो बहुत बर्निंग इशू है, इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों थोड़ा लाउडली इन्वॉल्व है, तो उसके साथ और कई मुद्दे हैं, जैसा कि जहां जम्मू कश्मीर में ओबीसी के चार जातियां हैं, कुम्हार, बारबर, धोबी और तेली, इनके साथ एसआर 126 में रूरल था, तो उसके बाद एसआर 294 21/10/2005 को इशू हुआ, जिसमें उनकी जातियों के आगे रूरल जो लफ्ज लिखा हुआ था, जो ऑक्यूपेशन था, वो खत्म कर दिया, लेकिन ओबीसी के लोगों के सेंट्रल सर्टिफिकेट बनते थे, लेकिन जो ही ड्यूटी बनी, जहां जेके ड्यूटी बन गई, तो सरकार ने एक नया पोर्टल बना दिया, नए कानून बना दिए, वो जो रूरल लफ्ज था उनके साथ फिर स्टैंड कर दिया गया, उनके बच्चे भी जो हम बहुत परेशान हैं, उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना तो स्कूलों में एडमिशन मिलती है उनको, ना वो कहीं जॉब ले सकते हैं, और ना ही वो अपने सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो उस पर उस इशू को हमने उबारा है, और हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी अप्रोच की है, 19/9/2023 का एक लेटर सोशल वेलफेयर ने रिकमेंड करके भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन 19/9 आज तो दिसंबर आ गया है, 3 महीने होने के जा रहे हैं, उनसे कोई जवाब नहीं आ रहा है, या तो ये सरकार सोई हुई है, या ओबीसी के प्रति इनका व्यवहार जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, इनके मन में वो मैल है कि ओबीसी का हवा देकर सरकार जरूर मनाएंगे, लेकिन ओबीसी को देंगे कख नहीं, उनकी जनगणना नहीं करवा रहे हैं, उनके साथ तरह तरह की अड़चने खड़ी कर रहे हैं, तो इससे हमारा ओबीसी समाज उसके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है, बच्चों के अंदर नौजवान वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, अगर नौजवान वर्ग है जो देश के किसी की लोकतंत्र को चलाने की, सरकार को चलाने के लिए वो 90% हिस्सेदारी होती है नौजवानों की, नौजवान है तो देश है, अगर नौजवानों को आपने परेशान करके रखा है, उनके हक हकूक को आपने दबा कर रखा है, वो पर्टिकुलरली ओबीसी के लिए, हम ओबीसी की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम ओबीसी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओबीसी के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, तो हम सरकार से ये करते हैं कि हमारे मुद्दों को जल्दी से जल्दी हल किया जाए, वरना हमें रोड पर आना पड़ेगा, हमें प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं, उसकी जिम्मेवारी सरकार होगी। अभी गवर्नर साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हुए हैं जेके यूटी बनने के बाद, और आप कह रहे हैं कि ओबीसी समाज के बुरे हालात हो गए हैं, जेके यूटी बनने के बाद स्थिति बिगड़ी है। देखिए, सरकार तो हरदम ये अपना दावा करती है कि हम ठीक हैं, ये सरकार तो ये भी कहती है हम विश्व गुरु हैं, अब उसका पैरामीटर क्या है वो दुनिया नाप रही है, हालात कहाँ खराब हुए हैं, सिन्हा साहब को पता नहीं रोज क्या हो रहा है, उनके कहने से हालात ठीक नहीं, हालात तब ठीक हो गए जब हम लोग सब भाई बहन अमन से रहेंगे, क्या वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो तब हालात ठीक होंगे, इनसे कहने से हालात ठीक नहीं होंगे, अगर ये सरकार ठीक चलाते हैं तो हालात ठीक हो जाएंगे, अगर लोगों के डिमांड्स को, लोगों की तमन्नाओं को समझते हैं तो हालात ठीक हो जाएंगे, अगर लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, उनकी तमन्नाओं को दबाने की कोशिश करें, तो नेचुरली हालात खराब हो सकते हैं। मैं सिन्हा साहब से यही उम्मीद करता हूँ, आप एक अच्छी नजर से देखिए, बेहतरीन नजर से लोगों को देखिए कि हालत कहाँ ठीक है, कहाँ खराब है, जो कुंजी चाबी आपके हाथ में, आप ठीक कर सकते हैं उनको, पर हमें उम्मीद भी है आप एक अच्छे नेता हैं, अच्छे सलाहकार हैं, गवर्नर हैं स्टेट के, आप इसको ठीक कर सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है। ये एक बड़ी बात है कि गवर्नर साहब जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सच्चाई नहीं है, जमीनी हकीकत ये है जो ये लोग कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि अगर हम लोग जो आवाम है, जब वो ये कहे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, फिर ही अच्छा होता है। कटारिया साहब हमारे साथ हैं, बलवंत कटारिया जी हैं। कटारिया साहब, जिन मुद्दों पर सरकार को बात करनी चाहिए, जिस समाज ने वोट कास्ट करना है, जिन बच्चों ने कल इस देश को संभालना है, कैसे सरकार उसे इग्नोर कर सकती है और दावा कर देती है कि बिल्कुल अच्छा है, ठीक ठाक है, सब बढ़िया से है। देखिए सर, हम आज ओबीसी मुद्दों पर मीडिया के थ्रू सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं जी। एक स्कॉलरशिप का इशू जो है, मेरे साथी ने बता दिया कि 3 साल से 40% शेयर पड़ा हुआ है, और ऑफिसर जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो तमाशा देख रहे हैं। अरे भाई, जिसको 4 रोटियां चाहिए
चार नहीं है तो एक रोटी ही दे दो। हम ये हमने अपील की डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के, जनाब आपके पास जो 40% है वो क्यों रोक के रखा हुआ है, आप तमाशा देख रहे हो, वो बांट दो ना। तो एक तो ये अपील हमने की, दूसरा जो रूरल वाला है वो ये देखिए कितनी लापरवाही है। 2005 में SRO 294 इशू हुआ, उस SRO 294 में जो कंडीशन थी रूरल वाली, क्योंकि ये चार जातियां जो है ये रूरल वालों को मिलता था, अर्बन वालों को नहीं मिलता था, लेकिन 2005 में ये समाप्त कर दिया गया स्टेट में जी। लेकिन सेंटर को नहीं भेजा, सेंटर में आज भी रूरल लगा हुआ है। तो हमने ये वैसे कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम जो है उन्होंने हमारी बात ये मान ली थी और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख दिया है कि ये रूरल वर्ड हटाया जाए, लेकिन वो कब हटेगा इसके लिए हम सरकार को से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि जब तक वो रूरल हटेगा नहीं तब तक चार जातियां जो है इनके बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोटा वेल नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आज की डेट में वो डिप्राइव हो रहे हैं। और एक और अपील करना चाहता हूं मैं कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन नहीं करती है तब तक एक इंटरम नोटिफिकेशन जारी की जाए ताकि बच्चे सफर ना हो। सवाल ये है कि आपने कहा कि अब लिखा है जी, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया, क्या ये सरकारी कार्यप्रणाली को पता नहीं था, उन्हें बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि इतने सारे लोग हैं जिनके हकों से उन्हें वंचित कर दिया। सर इसमें दो कारण है, एक तो सरकार भी सोई हुई थी और ये जो चार जातियां हैं ये भी सोई हुई थी, ना इनको पता कि हमारा केस दिल्ली जाना चाहिए अपडेशन के लिए, तो सरकार क्यों करेगी, क्योंकि सफरर ये है जिसका हक होता है उसको जागना पड़ता है, दूसरे को भी कहना पड़ता है, बताना पड़ता। तो ये जातियां भी उतनी ही जिम्मेवार है मैं कहूंगा, लेकिन चलो 18 साल बाद समझ आई है, जातियों को भी समझ आई है और सरकार को भी समझ आई है, इन्होंने दिल्ली लिख दिया है, लिख दिया। होपफुली कि ये रूरल वर्ड जल्दी डिलीट हो जाए और हमारा जो है ये सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो बात इन्होंने कही है, एक उदाहरण है कि जब बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, ऐसा ही रवैया सरकार का है, ये लोग जब तक रोए नहीं, 18 साल लग गए इन लोगों को समझने में और सरकार तो सोई हुई थी ये भी कह दिया गया है। हाँ सर मुझे अभी और भी है एक जी जी पहले इनसे सुनेंगे। नहीं बताइए बताइए मुझे एक दो इशू पर और बात जी जी बताइए। हमारे यहाँ एक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन में जो चेयरमैन है ऑनरेबल जीडी शर्मा सर, जीडी शर्मा जी, एक मेंबर है भारती सर एससी समाज से आते हैं और दूसरे एक और मेंबर है जो मुस्लिम समाज से आते हैं मुनीर खान सर जी। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं कि देश में कोई ऐसा कमीशन बना है पहले भी जिस समाज के वेलफेयर के लिए आप कमीशन बनाते हो उस समाज का बीच में बंदा ही नहीं है, तो अब बताइए वो कमीशन क्या काम करेगा, उस कमीशन को अगर कोई फीडबैक चाहिए होगी कौन देगा, क्योंकि ओबीसी जो है अगर ये मेजर पोर्शन है रिजर्वेशन का, 30% पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में, तो 30% पॉपुलेशन जिनकी है उनका आपने मेंबर नहीं लिया और जिनकी 8% है एससी उनका मेंबर लिया हुआ है, तो ये क्या रीजन हो सकता है। हम ये कहते हैं कि यदि आप एक पैटर्न होता है वुमेन वेलफेयर के लिए अगर कमीशन बनता है उसमें वुमेन मेंबर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का कमीशन बनता है आप पूरे देश में देख लीजिए उसमें शेड्यूल कास्ट वैसे तो चेयरमैन होता है, चेयरमैन नहीं तो मेंबर तो हो एक दो, तो ये अजीब किस्म का कमीशन है जिसमें कमीशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का है लेकिन सोशली एंड ओबीसी का कोई मेंबर नहीं है। हम पहले भी अपील कर चुके हैं और अब फिर से अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि ओबीसी का मेंबर डाल दीजिए, उसका बहुत बेनिफिट होगा, उससे क्या होगा कमीशन जो डिसीजन लेगा वो सही डिसीजन होंगे और एक्यूरेट डिसीजन होंगे, अदरवाइज क्या होगा
क्योंकि कमीशन को स्टडी करने में प्रॉब्लम आती है, मेंबर जो होगा उसको गाइड कर सकता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि जिस कम्युनिटी से वो निकला होगा वो अपनी तकलीफ जो है बेटर रख सकता समझ है। सकता है जी बिल्कुल जी। आप बताइए सर कि आपको क्या लगता है कि सरकारों को क्यों नहीं लगता कि ये लोग भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं, इन लोगों की भी कुछ डिमांड्स हैं, इन लोगों की भी ज़रूरतें हैं। देखिए संसार जी, पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं, साथ में जैसे आपने पहले राजीव साहब से सवाल किया कि ये जो आपका ओबीसी का जो सिलसिला चल रहा है ये गवर्नमेंट को पता नहीं था, 2005 से आज तक तकरीबन 19 साल हो गया, गवर्नमेंट ओबीसी को अदरवाइज देती है ना कि वो उनको इंसान समझती है, वो कहती है ये जो कम्युनिटी है ये अदरवाइज है। आप ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, ये रातों रात फैसला हो गया और रातों रात इंप्लीमेंट हो गया, क्या वो कौन सा सड़कों पे आए थे? अब जनरल कैटेगरी के लोग ये कहते हैं आपने तो डिमांड ही नहीं की, वही तो कह रहा हूँ मैं, वही सर आपसे कह रहा हूँ वो कौन से रोड पे आए। हम 19 साल से रोडों पे दरबदर हो रहे हैं, हमारे कई पीढ़ी तो खत्म भी हो गई इस लड़ते लड़ते। पहले तो जम्मू कश्मीर बहाना था कि यहाँ पे आपको 27% नहीं मिल सकता, यहाँ पे 370 है। अब गवर्नमेंट ने 2019 का 370 खत्म कर दिया है, 2019 से अब तक 4-5 साल हो गए, अभी तक 27% नहीं मिला। अभी तक ऑफिसर को ये पता नहीं चला कि यहाँ पे जम्मू में रूलर कट गया है जेएंडके में और सेंटर से कट रहा नहीं। अगर तो ये चीज है यूटी हम हो गए हैं, हम ऑटोमेटिकली सेंटर के साथ हैं, तो सेंटर को ये इशू बनाना नहीं चाहिए था। ये सेंटर मैंने जैसे पहले आपको कहा कि ओबीसी को अदरवाइज देती है, लेकिन ओबीसी भी तो अपने मुद्दों को नहीं समझ पा रहा है ना, ओबीसी भी तो एक मुद्दे पर आए बात करे और अपनी आवाज उठाए, वो भी तो खामोश बैठा है। खामोश हम इसलिए हम चाहते हैं सब, आज की डेट में खामोश नहीं है, आज की डेट में खामोश कोई नहीं है। अब बताइए चाहते हैं अगर वो जैसे कि सड़कों पे आ जाए रोड बंद कर दिए, हम नहीं चाहते। रोड बंद करना अच्छी बात नहीं है, कभी कोई बीमार होता है, कोई किसी किस्म को जरूरत होती है, रोड बंद कर देंगे उन लोगों को तकलीफ होती है, हमें तकलीफ हो रही है, हम दूसरों की तकलीफ ही समझ रहे हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से और अपने साथियों के साथ ये कहते हैं कि हमारा मेहरबानी करके जो हमारे मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर दिया जाए, वरना अगर आप यही चाहते हो तो फिर इसके लिए तैयार हो जाओ। सरकार को एक सीधे तौर पर एक मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। जी जी कटारिया साहब क्या कह रहे हैं? सर एक चीज और मैं आपके माध्यम से बोल दूं जी, अभी रिसेंटली जो स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है उन्होंने करीब 14 जातियां 15 ओबीसी में डाल दी जी। वो जातियां नहीं है उसमें जैसे ग्रुप कह सकते हैं या एक सेक्शन कह सकते हैं, उसमें एज ऑन टूडे उन्होंने उसको ऑन होल्ड रखा हुआ है, कैप्टन ओवेंस रखा हुआ है जी। उसका क्या कारण है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो जो डिसीजन है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें सारी जनरल कास्ट ने भी ओबीसी में डाल दिया जी, जी, जी। एक फार्मूला है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका एक फार्मूला होता है, उसका एक पैरामीटर या क्राइटेरिया होता है, जो उस क्राइटेरिया पे फॉल करेगा वो ओबीसी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी अगर आप चाहें अपने डिस्क्रिप्शन पे कि उसको बोले वो ओबीसी में डालना है तो ओबीसी में डाल दे, तो रिफ्यूजी भी डाल दिया उसमें। वही मेरा पॉइंट है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है उसमें सभी कम्युनिटीज है, कमीशन ने अपनी जात भी डाल दी, उसमें फॉरवर्ड कम्युनिटीज जो कास्टे हैं वो सारे हैं। तो अब जब अगर उसको आप ऐसे ही उठा के ओबीसी में डाल देंगे वो हमें तो नहीं लगता कि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो हम ये डिमांड करते हैं, ये अपील करते हैं कि उसको रिव्यू किया जाए और जो जनरल कास्टे हैं उनको ईडब्ल्यूएस में एडजस्ट किया जाए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे के, और जो ओबीसी है उनमें उनको ओबीसी में रखिए, जो उनमें एससी है उनको एससी में रखिए, तो सभी को उस तरह से किया जाए ना कि डायरेक्ट वर्टिकल रिजर्वेशन में डाला जाए, ओबीसी में ना डाला जाए, ये सस्टेन नहीं करेगा, ये चैलेंज हो जाएगा जी। ये हम कह रहे हैं, सवाल ये है कि अब सरकार चाहती क्या है, कि क्या अब ओबीसी समाज के लोग सड़कों पर उतरे, जोरदार धरने प्रदर्शन करें तब सरकार को सुनाई देगा? 18 साल की लड़ाई के बाद अगर अब उनकी आवाज सुनाई भी दी तो उनकी जाति के जो हक बनते हैं उस हक को कई और जातियों में बांटने की तैयारी की जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ओबीसी समाज की
जो इनके शब्द हैं कि अपील कर रहे हैं, ये अपील विरोध में ना बदल जाए, सड़कों पर धरने प्रदर्शन ना हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना हो, ये चाहते हैं कि ऐसा ना करना पड़े। सरकार इसे बड़े अच्छे तरीके से समझ ले कि इनके हक इनको दे दिए जाएं, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। ये गवर्नर महोदय भी सुन ले, केंद्र में बैठी हुई सरकार भी सुन ले कि ओबीसी समाज क्या कहना चाह रहा है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये देकर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।